के लिए। आपने क्या तीनों पढ़ लिए बेटा, आरबी, सीबी और एल, तो आपका आई नॉट कितना आ गया, ई नॉट बाई कैपिटल आर आ गया, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसमें अगर आई नॉट लिखना है तो ई नॉट बाई एक्स सी आ जाएगा, और इसमें करंट क्या करेगी, लीड करेगी, करंट लीड्स बाई पाई बाई टू, ये आपका इंडक्टर है, इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या कहलाएगी, ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई एक्सएल कहलाएगी कि बताओ, ई नॉट बाई एक्सएल, और इसमें करंट क्या करेगी, लैग करेगी, करंट लैग्स बाई पाई बाई टू। ठीक है, ये समरी है तीनों एलिमेंट जो आपने देख लिए। तो ये एग्जांपल्स करा रखे मैंने कि मान लो इसमें अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई नॉट इंटू आर, करंट में कोई, इसमें कोई फेस चेंज नहीं होता है, साइन ओमेगा। ठीक है, ये देखो अगर आपका इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस थ्री साइन ओमेगा टी, पहले तो ये माइनस हटा लिया करो, कोई बुराई नहीं होती इसमें, ठीक है ना। ठीक है, माइनस आप हटा लिया करो, यहाँ वाला माइनस मत लगाओ, डायरेक्ट जब आप यूज कर रहे हो ना, आप इसको अंदर ले जाओ, फिर अपने आप सब एडजस्ट हो, इसको लिख दो आप साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, इसको लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फिर आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट लीड करेगी, तो उस फेज में ओमेगा टी प्लस फाइव में फाइव बाई टू एड कर दो। ठीक है, आई नॉट कितना होगा, थ्री अपॉन एक्स सी, देखो माइनस फालतू में परेशान करता है, गलती कुछ नहीं होती है, वैसे ही आ जाता है, बट लेकिन आप हटा के लिखो, आप हटा दो उसको तुरंत, और उसके बाद फिर फेज ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आप करो उसको। ठीक है, तो अब देखो ये वी ए माइनस वी बी करना है आपको, आई माइनस से अंदर ले जाओ, क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव, इंडक्टर में तो करंट लैग करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस लीड करेगा, तो प्लस फाइव बाई टू, वी नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहाँ उल्टा है, ठीक है ना, ये थ्री इंटू एक्सएल होना चाहिए, नहीं, यस सर, हाँ, क्योंकि आई नॉट लिखा हुआ है ना थ्री, तो ये क्या है, मैंने गड़बड़ी कर दी, ये वाली गड़बड़ कर दी, ऐसे ही होता है, तो आप इसको आई को हटाओ यहाँ से, यहाँ पर भी एक्सेल आएगा बेसिकली, नहीं नहीं ये तो ऊपर वाला है, ये तो ऊपर वाला आ रहा है, हटा ही दो यार, ठीक है, इसको वी ए माइनस वी बी, फिर ठीक है, इसको वहां पर हटा के थ्री इंटू एक्सेल, ध्यान से सही कर लेंगे बेटा यार, ठीक है ना, ये ध्यान से सही कर लेंगे, वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, आई इंटू आर, मतलब आई इंटू एक्सेल, तो थ्री इंटू एक्सेल हो गया, जो फेज होगी आपकी क्या होगा, करंट इसमें क्या करती है, लैग करती है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, प्लस फाइव बाई टू एड कर, ठीक है, प्लस फाइव बाई टू इसमें एड कर दो, ये बेसिकली लिखा हुआ है थ्री कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव था, और फिर इसमें आपने फाइव बाई टू एड कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था इंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें बताइए, समराइज हो गया तीनों एलिमेंट का, एक एक बार और मैंने बता दिया आपको कि करंट में लीड करती है कैपेसिटर में, ये सबको ध्यान रखना, पाई बाई टू की फेस, ठीक है, करंट लीड्स बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू इन कैपेसिटर इन केस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, समरी सारी बातों की यही है, ये याद है तो फिर आपको सब याद रहे।